मकर संक्रांति के मौके पर होशंगाबाद में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कि मकर संक्रांति के पर्व पर तीर्थ स्थलों में स्नान और दान से पापों से मुक्ति मिलती है। सूर्यदेव के उत्तरायण में आने का पर्व मकर संक्रांति मां नर्मदा की नगरी होशंगाबाद में परंपरागत भक्ति भाव के साथ मनाई गई। मकर संक्रांति पर्व पर नर्मदा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का नर्मदा नगरी होशंगाबाद में आने का सिलसिला अल सुबह से ही शुरू हो गया था। मान्यता है कि वर्ष भर में 12 संक्रांति आती हैं, लेकिन मकर संक्रांति इनमें विशेष महत्व रखती है। सूर्यदेव के उत्तरायण में आने के मौके पर इस पर्व को मनाया जाता है और इस दिन से विवाह आदि मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर और दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाते हैं। मकर संक्रांति पर्व सामाजिक सरोकारों का पर्व भी है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है और सभी श्रद्धालु इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान धर्म कर पुण्य लाभ कमाते हैं। संक्रांति पर तिल दान का विशेष महत्व होता है। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा के पुण्य जल में स्नान कर घाटों पर दान धर्म के साथ धार्मिक कार्य किए। ये महत्व मकर संक्रांति का बहुत बड़ा है। ये अपने देश का जो है भारतवर्ष का बहुत बड़ा साल भर में पर्व आता है। इसमें नहाने से जो मकरों की राशि है, इस राशि का जो भी ग्रह रहते हैं, इसमें से नहाने से बहुत बड़ी शांति मिलती है। शिव जी का ये पर्व है। आज मकर संक्रांति का पर्व है। हिंदू धर्म में ये बहुत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति, ये सूर्य भगवान, बृहस्पति सूर्य भगवान में प्रवेश करते हैं, ऐसा कुछ मान्यता है। और मकर संक्रांति 14 जनवरी बृहस्पतिवार के दिन है। आज संक्रांति का जो पावन पर्व होता है, उसमें आज के दिन सूर्य जो है मकर राशि में आगमन करेंगे। नर्मदा के तीर्थ क्षेत्रों में जो व्यक्ति दान करता है तिल का, उसको आदित्य आदि जो भी नवग्रह हैं उसके अनुकूल होते हैं। जैसे कि इस बार पौष मास में मकर संक्रांति आई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।